मेरे चैनल ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये लेस पैटर्न आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये लेस पैटर्न जो है आप इसके साथ अटैच करते हुए बनाएंगे, ये लेस भी बनेगा और फंदे के जो लास्ट होंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लास्ट आइटम जो होगा उस ये बाइंड ऑफ भी होगा साथ में। इसमें स्टिच करने की बात नहीं है कि जो आप अलग से लेस बनाए और इसमें स्टिच किए इसके साथ साथ बनेगा। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सैंपल पीस है और इसी तरह मैं दूसरा पीस में बनाकर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये 40 फंदे में मैं थोड़ा सा ये बना ली हूँ, थोड़ा सा नीचे बनाई हूँ। इसके आगे मैं बताती हूँ कि कैसे बाइंड ऑफ करते हुए ये लेस हम बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए पहले देखिए मैं दो कलर में बताऊँगी ताकि आप ठीक से देख पाएँ। आप यदि चाहें तो आप एक कलर में भी बनाइएगा, मैं ठीक से देख पाने के लिए दो कलर में बता रही हूँ। तो पहले देखिए ये दूसरा कलर, मैं दूसरा धागा ले रही हूँ। आप यदि सेम धागे से यदि करेंगे तो आप यहीं पर जो फंदे मैं इससे बना रही हूँ दूसरे कलर से, आप इसी धागे से आप बनाएंगे। यहाँ पर देखिए पहले एक लूप बनाएंगे और इसमें डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम 6 फंदे डालेंगे। तो एक फंदे तो हमारे हो गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए फिर दो नॉर्मल जैसे आप फंदे डालते हैं बस उसी तरह डालना है, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे डाल लिए। ये बेसिक, ये फर्स्ट रो है, इसे बेसिक मान के चलिए क्योंकि हर स्टार्टिंग में आपको ये नहीं बनाना है इस लाइन को। ये देखिए सारे फंदे को हम पहले सीधा सीधा गुन लेते हैं। ये 5 फंदा हुआ, और जब 6ठे फंदे बुनेंगे तो इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए पहले वाले 1 फंदे और अभी वाले फंदे को एक साथ बना लेंगे, और हर सिलाई में इस तरह से बुनाएगा। फिर देखिए इस तरफ से आते हैं, इधर से हमारा राइट साइड होगा। यहाँ से देखिए पहले 3 फंदा बुनेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 और ये 3 फंदा। धागा आगे करेंगे, 1 जाली, धागा आगे करेंगे और 1 जाली बनाते हुए सीधा फंदा और 1 सीधा फंदा और। फिर आते हैं हम दूसरी साइड, रॉन्ग साइड में देखिए, बस 1 फंदा दो फंदा 3 फंदा 4 फंदा 5 फंदा ये 6 फंदा बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर 1 फंदे से हम 2 फंदा बनाएंगे, 1 फंदा और 2 फंदा, और फिर लास्ट वाले इस फंदे को इस तरह से देखिए। इसलिए मैं 2 कलर से बता रही हूँ ताकि समझ में आए। आप 1 कलर में आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लास्ट 1 कलर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 फंदे एक साथ में इस तरह से लेकर बुन लूँगी। यहाँ पर देखिए 1, 2 और यहाँ पर 3 फंदा उल्टा बुने, फिर यहाँ पर 3 फंदा, फिर यहाँ पर 4, 5 और ये 6ठे फंदे में फिर हम जाली बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, 1 बार जाली, धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए 3 फंदा सीधा, 1, 2 और ये 3 फंदा। फिर आते हैं रॉन्ग साइड में, इसमें सारी रो को आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यहाँ पर देखिए 7 और ये 8 फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर 1 फंदे से 2 फंदा बनाएंगे, 1 बार आगे से बनाते हुए 1 बार पीछे से बुनते हुए, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पर 2 फंदा, 1 फंदा सीधा और लास्ट वाले फंदे को हम पुराने जो सिलाई में ये फंदे हैं उस फंदे को लेते हुए हम बुन लेंगे।
इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पर अटैच होते जा रहे हैं, इसके साथ साथ ही बुनाई होते जा रहा है। फिर हम आते हैं इधर से राइट साइड से धागा पीछे करेंगे। यहाँ पर देखिए एक एक फंदा इधर भी बढ़ रहा है और जाली में भी, एक दो तीन, ये चार फंदा, पाँच छ सात धागा आगे और यहाँ पर जाली। यहाँ पर अब लगातार यहाँ पर तीन जाली बन गया है यहाँ पर। फिर एक जाली बनाते हुए चार फंदा, एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा और ये चार फंदा। इस तरह से देखिए यहाँ पर अब तीन जाली बन चुके हैं, एक दो और ये यहाँ पर एक, ये तीन जाली, तीन जाली हो गया। अब आ गया रॉन्ग साइड से, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये दस फंदा यहाँ पर देखिए सीधा बुनाया और यहाँ पर चार फंदा फिर उल्टा बुनाया और चार फंदा फिर हम सीधा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। इन चार फंदों में पहला फंदा हम एक फंदों से दो फंदा बना लेंगे पहले फंदे में, देखिए यहाँ पर। अब फिर तीन फंदा बुनेंगे तो जिसमें लास्ट वाले फंदे को हम पुराने वाले फंदे से देखिए इस तरह से हम मिलाते हुए दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर आते हैं हम राइट साइड में, अब देखिए इस तरफ से फंदे बढ़ाते हुए यहाँ पांच फंदे हो गए। अब इधर हमें फंदा बढ़ाना नहीं है और यहाँ पर भी तीन जाली, यहाँ पर कंटिन्यू भी तीन जाली हो गया। अब आगे देखिए पांच फंदे को पहले हम सीधा बुन लेते हैं, एक दो तीन चार और ये पांच फंदा तो पहले हम सीधा बुन लिए क्योंकि यहाँ इधर वाले फंदे को दोनों साइड से हम सीधा ही बुन रहे हैं। अब इधर जो ये वाले सीधे फंदे राइट साइड से देख रहे हैं जाली के बाद, यहाँ पर अब हम दोनों साइड से फंदे को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला फंदा को इस तरह से हम पलट लेंगे और दो फंदों का एक फंदा इस बैक लूप से बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः फंदा बुनेंगे और यहाँ पर ये दो फंदों को एक फंदा इधर से बना लेंगे। इस तरह से देखिए अब यहाँ पर देखिए सीधा वाला फंदा दोनों साइड से एक एक घट गया, दो चार छः और ये आठ फंदा बचा। इस आठ फंदे को उल्टी साइड से हम उल्टा बुन लेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, बाकी के फंदे सीधे बनाएंगे बट अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे नहीं। दो फंदा, तीन फंदा, चार फंदा और लास्ट के फंदे को हम इस तरह से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, देखिए। फिर राइट साइड दो तीन चार पाँच, पांच फंदा हुआ और ये जो सीधे वाले फंदे हैं फिर यहाँ पर देखिए दोनों साइड से फंदे को हम घटाएंगे, फंदे को पलटें एक बार और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, एक दो तीन चार, चार फंदा बुने और फिर यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देखिए इस तरह से ये लीफ बनता जा रहा है, एक दो तीन चार पाँच और ये छः फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ पर पांच फंदा हम सीधा बुनेंगे, दो एक दो तीन चार और ये पांचवा फंदा फिर हम देखिए इस तरह से बुनते आ रहे हैं। फिर आते हैं हम राइट साइड, पांच फंदा पहले सीधा बुनेंगे, दो तीन
चार और ये पांच फंदा, और यहाँ पर देखिए ये दो फंदा एक साथ। तो पहले फंदे को हम इस तरह से पलट लेंगे और दो फंदों का एक फंदा इस तरह से बनाएंगे बैक लूप से, एक दो, फिर यहाँ पर नीचे से दो फंदों का एक फंदा। अब यहाँ पर हमारा चार फंदा बचा है, देखिए। तो चार फंदे को रॉन्ग साइड से पहले हम उल्टा बुन लेते हैं, एक दो तीन और ये चार फंदा। इसके बाद देखिए धागा पीछे करेंगे, पांच फंदा फिर हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच फंदा। फिर इधर से राइट साइड धागा पीछे करेंगे, पांच फंदा सीधा, उसके बाद यहां पर देखिए ये दो फंदा एक साथ बैक लूप से हम बुन लेंगे, फिर ये दो फंदे को एक साथ। अब यहां पर सीधे वाले फंदे हमारे मात्र दो फंदे बचे हैं। दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। यहाँ पर देखिए थोड़ा बदल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, धागा आगे और ये एक फंदा को हम उल्टा बुन लेंगे, उल्टी साइड से बुन रहे हैं, धागा पीछे और फिर तीन फंदा सीधा, एक दो और ये तीसरा फंदा हम इसके साथ बुन लेंगे, ठीक है। अब आते हैं राइट साइड, एक पांच फंदा सीधा, दो तीन चार और ये पांच फंदा सीधा, और ये दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, धागे पलट लेंगे और बैक लूप से हम इस तरह से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो चार छः, फिर से यहाँ पर यही छः फंदे बच गए। अब इस छः फंदे से हम नया फिर से ये पत्ता जो है, ये लीफ पीस जो है, इसे हम आगे बनाएंगे। तो पहले उल्टी साइड से हम एक फंदा देखिए इस तरह से, दो धागा आगे, ये वाले फंदे को देखिए बनाए थे हम सीधा, इसे हम उल्टा बनाएंगे। देखिए दो फंदों के बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। तीसरे फंदे को हम फिर यहाँ पर इसके साथ लेते हुए बुनेंगे, देखिए दो फंदों का एक फंदा किए लास्ट में, यहाँ पर हम अटैच करते जा रहे हैं। अब देखिए फिर स्टार्ट करेंगे, सेम प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। अब जो ये सीधे वाले फंदे दिख रहे हैं यहाँ पर, इस फंदे के आसपास जो है हम जाली बनाएंगे, दो तीन फंदा बुने, धागा आगे करेंगे और फिर देखिए ये सीधा वाला फंदा के आगे एक जाली और फिर उसके बाद एक जाली बनाते हुए दो फंदा। देखिए सेम ये फर्स्ट रो जो हमारा था यहाँ पर स्टार्ट हो गया, इसी तरह से इतनी दूर की बुनाई हम आगे सेम करते जाएंगे, इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं। यदि इससे आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, मैं जैसे यहाँ पर तीन जाली से बनाई हूँ, आप यहाँ पर थोड़ा चार पांच जाली भी दे करके आगे बड़ा बड़ा पीस आप बना सकते हैं। यदि आपको जरूर पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।